बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का बड़ा बयान, 11 साझा रैलियों के साथ करेंगे करीब 40 रैलियां। चुनाव के गठबंधन के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन की साझा 11 रैलियों के साथ अलावा पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन के अलग से भी चुनावी सभाएं करेंगी। वह 1.5 महीने लंबे चुनावी प्रचार अभियान में करीबन 40 रैलियां कर सकती हैं। पार्टी स्तर से होने वाली जनसभाओं के कार्यकर्ताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सपा बसपा रालोद गठबंधन से बसपा के 38, सपा के 37, गठबंधन की ओर से साझा रैलियों का कार्यक्रम पहले ही घोषित किया जा चुका है। बसपा इन साझा रैलियों के अलावा अपने प्रत्येक प्रत्याशी के समर्थन में अलग से कम एक चुनावी जनसभा की योजना बना रही है। बसपा प्रत्याशी पक्ष में आयोजित होने वाली इन रैलियों को पार्टी मुखिया मायावती संबोधित करेंगी। हालांकि जिस प्रत्याशियों के क्षेत्र में साझा रैलियों का स्थल होगा उसके समर्थन में अलग से जनसभा की जा सकती है, इसकी भी संभावना है। पार्टी के दूसरे नेताओं के कार्यक्रम वहां कराए जाएंगे, मसलन सहारनपुर व आगरा में साझा रैलियां होंगी तो मायावती की पार्टी स्तर की रैली दूसरे प्रत्याशियों के क्षेत्र में भी होंगी। वहीं गन्ना भुगतान पर गलत बयानबाजी ना करे सरकार, मायावती ने भाजपा पर गन्ना भुगतान को लेकर गलत बयानबाजी का आरोप लगाया है और मायावती ने ट्वीट में कहा है कि यूपी में गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है तो किसान कैसे खुश व खुशहाल होंगे, ये सोचते समझने की बात है। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी व धन्ना सेठ समर्थक भाजपा सरकार गलत दावे ना करे, बसपा सरकार की तरह मिल मालिकों पर सख्ती करके भाजपा किसानों की सभी बकाया क्यों नहीं अदा करवा रही है। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।